खरगोन जिले के भगवानपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम दग्गड़खेड़ी में जमीनी विवाद के चलते 114 परिवार के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उचित कार्यवाही की मांग की। हम आपको बता दें कि शिकायत करने पहुंचे लोगों ने अपने ही परिजन संदीप सोलंकी पर आरोप लगाया कि उक्त व्यक्ति ने जमीन को धोखे से अन्य व्यक्ति को बेच दिया और आए दिन हमें धमका रहा है, जिसकी शिकायत स्थानीय थाने पर करने के बावजूद हम 2 वर्षों से परेशान हैं और इसी बीच उचित कार्यवाही के नाम पर जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। से आए हैं। क्या शिकायत है? जमीन का बारे में आए हैं और 9 साल हो गया हम परेशान हैं। मेरा भाई मतलब धोखा से पावती दूसरा नाम से जाले काम कर दिया। अच्छा, फर्जी बना ली? हाँ, फर्जी। और हम लड़ाई झगड़ा मतलब वो जबरदस्ती करता है वो। कितनी एकड़ जमीन है? 24 एकड़ जमीन है। क्या कब्जा कर लिया? हाँ, वो मतलब पावती चोरी से धोखा से बनाई, धोखा से बनवा लिया, कब्जा हमें मतलब कर रहे थे। फिर हम मेरा पिताजी जमीन बेच के जमीन ली थी और गरीबी हालत से नाव पर नहीं हुई तो वो मतलब चोरी से पावती मामा का नाम से करार दी। और वो चालू केस में तीसरा आदमी को फंसा दिया ना हमको, मतलब गुंडागर्दी से मतलब वो ऐसा कर रहा है ना। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हमको जमीन चाहिए सर। क्या नाम है आपका? रूप सिंह। कहाँ रहते हो? दगड़खेड़ी। करते हैं, हमारी जमीन है, खेड़ के खा रहे थे हम जब से पैदा हुए, मेरा बाप भी पैदा हुए जब से जमीन इनका दादा कर रहे थे, उनका बाप पिताजी कर रहे थे और हम भी कर रहे हैं। और जहाँ से रोहिदड़ किस क्यों है वो मेरे को नहीं मालूम, बल्कि जो बता रहे हम कर रहे थे, हम तो बाहर रहते हैं मजदूरी करते हैं और आए तो उसके बाद में प्रभारू ने पावती बनवा ली और जमीन हमारी ही है, प्रभारू पावती बनवा ली और धोखा से मामा भाजिन में इनका हो गया। और पहली के बाद जो पैसे टके चलते थे जब जमीन खरीदी हुई थी खरीदी हुई जमीन थी, जब से इन्होंने धोखा से मतलब उन्होंने जमीन पजे वापस हड़प ली है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।